हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने जा रही हूँ डाटा एंड एक्शंस इन फ्लोज। सो वन बाय वन करके मैं बताऊंगी। सो आज मैं बताने बताऊंगी वर्क विथ सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स इन फ्लोज। वर्क विथ सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स इन फ्लोज में ये बताया गया है कि कैसे क्रिएट करते हैं ऑटो लॉन्च्ड फ्लो एंड उसमें कैसे रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं। सो ये है इसमें प्रॉब्लम्स। आप यहाँ देख सकते हो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ क्रिएट एंड ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। सो कैसे इसमें क्रिएट करते हैं, कैसे इसमें रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, इसमें मैं ये बताऊँगी। सो लॉन्च पे क्लिक करूँगी। इसके बाद में ये सेटिंग्स ऑप्शन है, उसके बाद मैं सेटअप पे क्रिएट क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं फ्लोज टाइप करूँगी क्विक फाइंड बॉक्स में। फिर ये न्यू फ्लो क्रिएट करूंगी। आप यहाँ देख सकते हो न्यू फ्लो पे क्रिएट करूंगी एंड आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम में ऑटो लॉन्च फ्लो क्रिएट करना मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ। ये चैलेंजेस है, इसमें ऑटो लॉन्च फ्लो क्रिएट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लोज के टाइप हैं, स्क्रीन फ्लो स्केड्यूल। सो ऑटो लॉन्च का क्रिएट करना है, सो ऑटो लॉन्च पे इसलिए मैंने क्लिक किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू हाइलाइटेड है यहाँ पे क्रिएट। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स देखोगे इसमें क्या है, मैं हाइलाइटेड कर रही हूँ। सो वन बाय वन करेंगे। सो हाईलाइटेड करूँ क्रिएट अ रिसोर्स। सो क्रिएट अ रिसोर्स, सो रिसोर्स हमें क्रिएट करना है जो रिसोर्स टाइप हमारा वेरिएबल होना चाहिए। सो रिसोर्स के ये बटन्स होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो मेरा कर्सर है, उस पर क्लिक करेंगे। सो न्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। तो रिसोर्स टाइप वेरिएबल था तो वेरिएबल पे क्लिक किया और एपीआई नेम है, एपीआई नेम आप यहाँ देख सकते हो अकाउंट आईडी है। डाटा टाइप आप देखोगे टेक्स्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल फॉर इनपुट चेक्ड है। सो अवेलेबल फॉर इनपुट पे चेक मार्क करना है, अवेलेबल फॉर इनपुट पे चेक्ड। फिर उसके बाद में आपको डन करना है। फिर उसके बाद में आपको क्रिएट रिसोर्स करना है जिसका रिसोर्स टाइप हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। सो न्यू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, रिसोर्स टाइप हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे एपीआई नेम वीक फ्रॉम टुडे। सो एपीआई नेम कॉपी करेंगे। और डाटा टाइप डेट। सो डाटा टाइप यहाँ पे डेट है। उसके बाद में फॉर्मूला यहाँ पे टुडे इन ब्रैकेट +7 है। आप देख सकते हो एडिशन का ये सिंबल है एंड 7, ठीक है। सो हम यहाँ पर इंसर्ट अ फंक्शन आप यहाँ देख रहे हो इस पे सेलेक्ट करेंगे एंड टुडेज फाइंड करेंगे वेयर इट इज टुडे, कहाँ पर टुडे है, क्योंकि इसमें फंक्शन अवेलेबल होते हैं।
अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे, सो टुडे पे क्लिक किया, फिर सेलेक्ट एन ऑपरेटर, मेरा देखो मेरा यहाँ कर्सर है, सेलेक्ट एन ऑपरेटर पे ऐड का, फिर उसके बाद में 7 टाइप कर देंगे, उसके बाद में चेक सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे, सो वैलिड है, फिर प्रॉब्लम्स में जाके देखेंगे, सो यहीं तक है इसका प्रॉब्लम्स, ये हो गया, सो यहाँ पे आप डन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद चैलेंजेस में क्या बोल रहे, ऐड करना है ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड्स एलिमेंट, सो हमें रिकॉर्ड्स अपडेट एलिमेंट, आप यहाँ पढ़ सकते हो ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड्स एलिमेंट, सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगी अपडेट एलिमेंट्स, सो आप देख रहे हो अपडेट रिकॉर्ड्स, सो इस पे क्लिक किया, सो लेबल का नेम है, आप यहाँ देख सकते हो लेबल का नाम सेट टाइप टू कस्टमर है, उसके में आप यहाँ देख सकते हो हाउ टू फाइंड रिकॉर्ड्स टू अपडेट एंड सेट देयर वैल्यूज, इसको मैंने कॉपी कर लिया ताकि यहाँ पे इजीली होगा फाइंड करने में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा हाउ टू फाइंड रिकॉर्ड्स टू अपडेट एंड सेट देयर वैल्यूज, सो ये हमें मिल गया, सो इसके बाद इसमें चेक बॉक्स पे मार्क करना है स्पेसिफाई कंडीशन टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड एंड सेट फील्ड इंडिविजुअली, सो ये वाले हैं इस पे चेक मार्क करना है, फिर आप यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्ट अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर फिल्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, फील्ड हमारी आईडी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो फिल्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स फील्ड आईडी, और ऑपरेटर इज इक्वल्स, सो ऑपरेटर इक्वल्स एंड वैल्यू रहेगी हमारी अकाउंट आईडी, और यहाँ पे फील्ड वैल्यू सेट करना है, फील्ड की टाइप होनी चाहिए एंड वैल्यू कस्टमर डायरेक्ट होनी चाहिए, आप देख रहे हो यहाँ पे सेट फील्ड वैल्यू टू द अकाउंट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे फील्ड हमारी टाइप है, और वैल्यू हमारी कस्टमर डायरेक्ट है, कस्टमर आईडी आप यहाँ देख रहे हो, इसके बाद मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ कस्टमर एलिमेंट के टाइप को सेट करना है, और उसके बाद में रिकॉर्ड क्रिएट रिकॉर्ड्स करना है, तो रिकॉर्ड्स हमें क्रिएट करने हैं अब, सो ये हमारी हो गई, इस पर डन, अब हमें इस वाले आप देख रहे हो ऑटो लर्न्स फ्लो क्रिएट किया, उसके बाद में मैंने सेट टाइप टू कस्टमर कर दिया, उसके बाद में अब आप देख रहे हो चैलेंजेस में, उसके बाद में हमें रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, जिस रिकॉर्ड्स का नाम होना चाहिए क्रिएट ऑनबोर्डिंग टास्क, सो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया रिकॉर्ड्स, अभी देख रहे हो ये क्रिएट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है, इसका लेबल नेम रहेगा क्रिएट ऑनबोर्डिंग टास्क, इसमें देख रहे हो कितने रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने हैं, तो 1 रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने हैं, कैसे सेट करना है रिकॉर्ड वैल्यू, सो सेपरेट रिसोर्सेज और लिटरल वैल्यूज होनी चाहिए, सो सेपरेट रिसोर्सेज पे मैंने क्लिक किया और लिटरल वैल्यूज, ऑब्जेक्ट हमारा टास्क होना चाहिए, ऑब्जेक्ट टास्क, उसके अंदर अभी आप देख रहे होगे फील्ड वैल्यू सेट करनी है, सो फील्ड वैल्यूज में हमारी क्या है एक्टिविटी डेट है
वैल्यू हमारी वीक फ्रॉम टुडे है, तो फील्ड वैल्यू सेट करनी है. सो यहाँ पर देख रहे हो फील्ड वैल्यू टेस्ट जो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, यहाँ पे फील्ड वैल्यू सेट करनी है. सो यहाँ पे एक्टिविटी डेट, यहाँ पे देख रहे हो ये हमारी फील्ड हो गई एक्टिविटी डेट, वीक फ्रॉम टुडे हमारी वैल्यूज हो गई, वैल्यूज है. फिर उसके बाद में मेरी फील्ड वैल्यू, मेरी फील्ड है प्रायोरिटी. सो अब यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे, प्रायोरिटी वैल्यू है हाई. ये प्रायोरिटी मेरी फील्ड हो गई और हाई वैल्यू हो गई. उसके बाद में स्टेटस, फील्ड वैल्यू स्टेटस है. फिर ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे, स्टेटस. अब यहाँ देख रहे हो सजेशन में आ जा रहे हैं, तो आप इसे सजेशन के ले लोगे. स्टेटस नॉट स्टार्टेड, यहाँ पे देखो आगे नॉट स्टार्टेड. उसके बाद में आप यहाँ देख रहे होगे फील्ड सब्जेक्ट, देखो सजेशन में आ गए सब्जेक्ट. उसके बाद में वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बिकॉज वैल्यू के सजेशन में नहीं आएंगे. सो यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रिच आउट फॉर ऑनबोर्डिंग. बिल्कुल स्पेस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप देख लोगे यहाँ पे कर्सर करके और बैक स्पेस क्लिक करके देख लोगे स्पेस तो नहीं है. फिर उसके बाद में ऐड फील्ड पे क्रिएट करेंगे, व्हाट आईडी है फील्ड, अकाउंट आईडी है वैल्यू, वैल्यू नेम है अकाउंट आईडी. सेशन में आ गए. इसके बाद में फ्लो को सेव करना है, बिकॉज चैलेंज में इतने ही थे. सो उसके बाद में फ्लो को सेव करना है, डन करना है यहाँ पे. एंड फ्लो को सेव करना है, यहाँ पे सेव का बटन है. फ्लो लेवल नेम कन्वर्ट टू कस्टमर, एन एपीआई नेम इज कन्वर्ट टू कस्टमर, एंड इस पे सेव पे क्लिक कर देना है. सेव हो गया. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट आईडी क्रिएट हो गया, वीक फ्रॉम टुडे क्रिएट हो गया, टास्क आईडी फ्रॉम, मेरा कर्सर आप देख सकते हो, टास्क आईडी फ्रॉम क्रिएट ऑन बोर्डिंग टास्क, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड्स से किया था और एक अपडेट रिकॉर्ड्स किया था. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्रिएट रिकॉर्ड्स अपडेट रिकॉर्ड्स, और ये रिसोर्सेस में फार्मूलाज एंड वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था. ये हो गया. अब मैं चैलेंजेस को, ये ऑटो लॉन्च फॉलो, ऑटो लॉन्च फ्लो मैंने क्रिएट किया था, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है ऑटो लॉन्च फ्लो, और इसमें मैंने बताया कैसे क्रिएट होते हैं. सो ये है हमारा ऑटो लॉन्च फ्लो, इसमें मैंने अपडेट रिकॉर्ड्स किया और उसके बाद मैंने क्रिएट करके बताया कैसे क्रिएट करते हैं ऑटो लॉन्च फ्लो में. उसके बाद मैं चैलेंजेस को वेरीफाई करूंगी. ये हो गए. और नेक्स्ट वीडियोस में मैं दूसरी यूनिट बताऊंगी, इसके दूसरे सेक्शन में बताऊंगी. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. थैंक यू एवरीवन.